नमस्कार, मैं हूं प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं मनी नाइन पर हमारा पर्सनल फिनेंस से जुड़ा खास शो हेलो मनी नाइन। फाइनेंशियल प्लानिंग में अभी तक हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस को ज़रूरी माना जाता था, अब आप इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को भी जोड़ लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के मुताबिक साल 2022 में देश में 4,61,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए थे। इस दौरान लगभग 68,000 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 4,45,000 लोग घायल भी हुए। रोड एक्सीडेंट्स की संख्या 2021 की तुलना में लगभग 11-12% बढ़ गई, जबकि मरने वालों की संख्या 9.4% बढ़ी है। इन रोड एक्सीडेंट्स का एक बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग रहा है। इन रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए जहां एक ओर लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी ओर ज़रूरी है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का होना। इस तरह के हादसों में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कैसे मददगार साबित हो सकते हैं, इसे कब और कैसे हम ले सकते हैं, इसी टॉपिक पर हम आज पूरी बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ होंगे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। जितेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी नाइन पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं जितेंद्र जी से अपनी बातचीत शुरू करूं, उसके पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूं कि अगर आपके पास में ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ स्क्रीन पर आपके नंबर दिखाया जा रहा है 9311-21874, ये हमारा नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है money9query@tv9.com और इस पर आप हमें मेल करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप YouTube पर हमारा ये शो देख रहे हैं तो आप लाइव चैट बॉक्स में जाकर के हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। इंस्टा पर भी आपको ये शो दिख रहा है। तो चलिए, अब हम जब तक आप लोग अपने सवाल जवाब हमारे पास भेजते हैं तब तक हम शुरू करते हैं जितेंद्र जी से अपनी बातचीत का सिलसिला। जितेंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सरकार ने रोड एक्सीडेंट के जो आंकड़े जारी किए हैं वो काफ़ी डरावने, 12% का जो इजाफा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, उसे देखते हुए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, आमतौर पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को हम लोग शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लाइफ और हेल्थ को तो हम लेते हैं, बट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और उसका एक मुख्य कारण भी ये है कि आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि शायद डिसेबिलिटी जैसी चीज जो है हमारे साथ नहीं होगी, उसके चांसेस प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है। और जब डेथ की बात आती है तो डेथ के लिए तो टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल है, तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, हालांकि आंकड़े भी दिखाते होंगे कि शायद पर्सनल जो जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें आमतौर पर डेथ का रेट काफी हाई होता है, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस केवल डेथ इंश्योरेंस में वर्क नहीं करता है। ये बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स देता है जो आमतौर पर हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। मसलन, अगर एक्सीडेंट होता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो, थोड़े टाइम के लिए आपकी इनकम स्टॉप हो जाती है, ऐसी सूरत में कोई दूसरा इंश्योरेंस नहीं है जो आपकी मदद करेगा। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऐसी ही परिस्थिति में आपकी मदद करता है। टेम्पररी डिसेबिलिटी हो गई, 4-6 महीने के लिए आपकी इनकम स्टॉप हो गई, या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, आपकी इनकम बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, आपको 3-4 साल लगेंगे उस स्थिति से उभरने के लिए। अब ऐसे में ना टर्म इंश्योरेंस काम आएगा ना हेल्थ इंश्योरेंस काम आएगा, या तो आपको अपनी सेविंग से भरपाई करनी पड़ेगी या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है ऐसी जगह मददगार साबित हो सकता है। तो इसीलिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। तो पर्सनल इंश्योरेंस, जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है कि अगर आप नहीं होते तब आपके परिवार को हेल्प करेगा, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है कि कभी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है तब हेल्प करेगा, लेकिन डिसेबिलिटी के बारे में हम सोचते नहीं हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप काम नहीं कर सकते, उस टाइम पर ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपके काम आ सकता है। आपने ये तो बता दिया कि कब और कैसे ये काम करता है, अब मुझे ये जानना है कि इसे खरीदने का सही प्रोसेस क्या है। देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो या तो आपको राइडर के रूप में मिलती है, जितनी भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसमें आपको राइडर मिलता है, एज एक्सीडेंट डिसेबिलिटी राइडर हम उसको बोलते हैं, उसके तौर पे आपको मिलता है, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है जो ज्यादातर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के पास होती है, तो वो एक दूसरी पॉलिसीज अवेलेबल है। दोनों ही तरीके से ये मददगार होते हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उसमें बेनिफिट्स आपके ज्यादा होते हैं,
ज्यादा अच्छे से कवर करती हैं, आपके साथ साथ फैमिली को भी कवर करती हैं। तो अगर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना हो तो मेरी राय में कॉम्प्रिहेंसिव एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो आपने बताया कि ये दो तरह की होती हैं। मेरा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आपने एक डिसेबिलिटी की बात पहले ही कर ली, लेकिन इसमें और अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में पूछना चाहें तब उसमें क्या-क्या कवर होता है? देखिए ब्रॉडर अगर हम सोचें तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा नाम से हम देख सकते हैं कि इसकी एक एक्सीडेंट से होने वाली स्थिति में कवरेज देता है। यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट होता है, आप किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रैवल कर रहे हैं आप या आप नहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सूरत में ये आपको कवरेज देता है। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह की जो कवरेज है वो अवेलेबल है। डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के द्वारा तो लमसम पेमेंट मिल जाता है। डिसेबिलिटी होती है वो टेम्पररी है या परमानेंट है, दोनों ही सूरत में ये कंपनसेशन देता है। वो मंथली कंपनसेशन के रूप में हो सकता है या लमसम हो सकता है। इसके अलावा जो और दूसरे कवरेज हैं वो अगर एक्सीडेंट होता है चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है। इसके अलावा जो है अगर डेथ हो जाती है तो उस सूरत में जो है एंड सॉरी पर्सनल एक्सीडेंट, मैं इसको दोबारा बोलूंगा, प्लीज कंटिन्यू। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में जो मेन बेनिफिट है वो आपके डेथ के मिलते हैं। डेथ होने पे आपको जो है कम लमसम अमाउंट मिलता है। डिसेबिलिटी होती है टेम्पररी या परमानेंट, उस सूरत में जो है आपको कंपनसेशन मिलता है। अब वो कंपनसेशन लमसम हो सकता है या मंथली पेमेंट के द्वारा हो सकता है। डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल एक्सपेंसिस तक को कवर करता है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करता है। जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं एक्सीडेंट के द्वारा अगर होता है तो उनको कवर करता है। तो ब्रॉडर वे में पर्सनल एक्सीडेंट जो है एक्सीडेंट के द्वारा होने वाली स्थिति में हॉस्पिटल एक्सपेंसेस से लेकर डिसेबिलिटी होने पर अगर इनकम स्टॉप हो जाए तो उसकी भरपाई तक के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज देती है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंट से आपको किसी भी तरह की हानि होती है, मतलब अगर हमारी डेथ हो जाती है तब भी काम करेगा, और अगर आप डिसेबल हो जाते हैं तब भी काम करेगा। इनफैक्ट आपके चाइल्ड एजुकेशन, जो एक पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है, वहाँ पर भी ये काम करता है। तो हम हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है एक इंसान का कि कितना कवर लें। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज भी हैं। इसी तरह से पर्सनल एक्सीडेंट कवर कैसे चुने, किसी व्यक्ति के लिए हम कैसे माने कि कितना कवर जो है वो सफिशिएंट होगा? देखिए टर्म इंश्योरेंस में आसान होता है इंश्योरेंस नीड को निकालना, हेल्थ इंश्योरेंस में भी आसान हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को देखते हुए हम निकाल लेते हैं नीड। लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम डिसेबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे, कि डिसेबिलिटी कब तक रहेगी, टेम्पररी रहेगी या परमानेंट रहेगी। तो एक तो ये है कि जो आपका मंथली एक्सपेंस है उसका आप 70% 80% लेके, और कुछ सालों तक तो अगर डिसेबिलिटी होती है तो जैसे आपने 5 साल ले लिया 6 साल ले लिया उस तक का एक्सपेंसेस आप कवर कर सकते हैं। कंपनीज जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज देती हैं वो एक फॉर्मूला के बेस पे देती हैं, कुछ मल्टीपल्स ऑफ इनकम के बेस पे जो है आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है। या फिर आप अपनी मंथली एक्सपेंस मंथली इनकम का आप 100 टाइम्स या 10 टाइम्स इस तरीके से आप जो मल्टीपल में ले सकते हैं। तो कोई ऐसा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी कितना होना चाहिए, बट मेरी राय में जो डिसेबिलिटी होता है वो मेन होता है। डिसेबिलिटी को आपको देखना है कि डिसेबिलिटी आप कब तक कंसिडर करते हैं, और डिसेबिलिटी ना होने पर आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस मीट करने हैं तो टोटल मंथली एक्सपेंसेस को लेके और उसको 6 7 साल तक आपके मीट हो जाए, जब तक कि आप कहीं से कोई इनकम ना कमाने लगे तब तक का आपका एक्सपेंडिचर मीट हो जाए वो कवरेज आप ले सकते हैं। नॉर्मल वे में कंपनीज इनकम का मल्टीपल जो है वो आपको कवरेज देती है, 10 टाइम्स हो सकता है 20 टाइम्स हो सकता है, तो मल्टीपल में जो है आपको कवरेज मिलता है कंपनी से पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्सनल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो होता है, इसमें आपको खुद थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ता है कि इन केस, मतलब हम सोचना नहीं चाहते, कि कोई भी नहीं सोचता कि किसी के साथ कभी कुछ बुरा हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपको डेलिबरेटली ये इस चीज़ को एक एंटिसिपेट करना होता है कि अगर कुछ हो जाता है तो उस सूरत में, अगर मान लीजिए आपको 3 4 महीने हो जाते हैं या 5 साल तक आपके साथ में नहीं होती, तो किस तरह की इनकम आपको ज़रूरत होगी उसी हिसाब से अपना जी, कवर। मैं अगर कम से कम अगर कवरेज
लगाऊं तो मेरे हिसाब से 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम आपका मिनिमम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। तो जितेंद्र जी की राय है कि अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका एटलीस्ट 10-फोल्ड आप इंश्योरेंस लें, जिससे कि आपकी जो फ्यूचर नीड होंगी, कभी कुछ अगर ऐसा होता है तो आपकी वो नीड्स पूरी हो पाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस में क्लेम किस तरह से मिलता है? अभी भी इसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता कम है, क्योंकि लोग पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेते ही कम है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि कितने, मतलब कैसे क्लेम मिल सकता है, और फिर कितने दिनों के बाद में, मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो कब आप इसके क्लेम के लिए फाइल कर सकते हैं? देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट में ऐसा कोई वेटिंग पीरियड नहीं है कि इतने टाइम के बाद ही आपको क्लेम मिलेगा। जब से आप पॉलिसी लेते हैं तब से आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो चालू हो जाता है। अब रीइंबर्समेंट ले रहे हैं आप, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन ले रहे हैं, तो दोनों सूरत में जो है थोड़ा सा प्रोसीजर में डिफरेंट हो जाता है। अगर एक्सीडेंट होता है तो जैसे ही आप हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको तुरंत इंटीमेट करना होता है कंपनी को, अब और उसके इंटीमेशन के बाद जो है कैशलेस आपका जो है शुरू हो जाता है। आमतौर पर विद इन 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आपको जो है कंपनी को इंटीमेट करना होता है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। अगर आप रीइंबर्समेंट ले रहे हैं तो विद इन 15 डेज जो है आपको रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से तो विद इन 15 डेज आपको अप्लाई करना होता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद विद इन 7 डेज इस तरह के जो है क्लॉजेज होते हैं कि उसमें आपको इंटीमेट भी करना होता है। तो रीइंबर्समेंट में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम पीरियड मिलता है। अगर आपको कैशलेस लेना है तो स्टार्टिंग में ही आपको इंटीमेट करना पड़ता है जैसे ही आप हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो जितेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि आप जैसे हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसके 48 आवर्स के अंदर आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर देना पड़ेगा कि आपके साथ में कोई दुर्घटना हुई है, और क्लेम का प्रोसेस आपको 7 दिनों के बाद और मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर ये कर ही देना होता है। एक और चीज़ आपने जो बोली उसके रिलेटेड है कि आपने बोला कि इसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं, इज इट सो कि कोई भी वेटिंग पीरियड इस पर लागू नहीं होता? नहीं, आमतौर पर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड नहीं होता है। केवल डेथ के केस में वेटिंग पीरियड होता है कि डेथ के केस में 180 डेज का वेटिंग पीरियड हो सकता है जब से आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, बट अदरवाइज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको वेटिंग पीरियड के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए, कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। हाँ, अगर किसी की इंश्योरेंस होल्डर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस आपको 6 महीने का वेटिंग पीरियड लगता है। अच्छा, एक और चीज़ है, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज नहीं, बैंक भी, SBI बहुत ही पॉपुलर है इसके मामले में, कि ये लोग भी अपने अकाउंट होल्डर्स को एक्सीडेंट इंश्योरेंस देते हैं। बैंकों का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कितना सही होता है? देखिए, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज दो तरीके से मिलती है, एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है और एक इंडिविजुअल पॉलिसीज होती है। इंडिविजुअल पॉलिसीज जब आप कंपनीज के साथ डायरेक्ट बाय करते हैं, बैंकों द्वारा भी ये बेनिफिट दिया जाता है कि अपने जितने भी ग्राहक हैं उनको वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज देते हैं। हालांकि ये कुछ ग्रुप इंश्योरेंस के तहत ही आता है, लेकिन मेरी राय में वो पॉलिसीज अच्छी होती है। जैसे हमने हेल्थ में देखा कि काफी चीपर पड़ती है, तो जो अगर आपका बैंक आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है तो वो भी बेनिफिट्स लगभग सेम ही होते हैं उसके अंदर। जो सिर्फ एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये कि ये एक बैंक का स्पेसिफिक टाइप होता है, अगर वो टाइप कल को नहीं रहता है तो वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज भी नहीं रहेगी, आपको कहीं और से जो है परचेज करना पड़ेगा। सिर्फ इतना है इसके अंदर, बट अदरवाइज अगर बैंक आपको एज अ कस्टमर आपको बैंक अगर एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है तो मेरी राय में लेना चाहिए। तो बैंक का इंश्योरेंस वैसे तो सही है, लेकिन आपको जस्ट एक बात चेक करनी होती है अगर आप इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेने का, कि उसका किसी के साथ टाइप है या नहीं, क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में वो टाइप ख़त्म हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस के फ़ायदे भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, सभी लोग इस तरह के जो इंश्योरेंस लेते हैं उसकी मेन जो नीड होती है वो ये होती है कि हम अपने घर वालों को सुरक्षित रख सकें। तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो हम इसमें अपने घर वालों को कैसे शामिल कर सकते हैं? देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज में फैमिलीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ कंपनीज फैमिली फ्लोटर के रूप में भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज देती हैं, कुछ कंपनीज इंडिविजुअल पॉलिसीज में ही आपको बेनिफिट देती हैं कि आप स्पाउस और चिल्ड्रन को कवर कर सकते हैं। उसमें सिर्फ लिमिटेशन ये होती है कि जो कवरेज क्लेम अमाउंट होता है वो कुछ परसेंटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन के केस में मे बी अराउंड 25% ऑफ टोटल सम इंश्योर्ड जो होगा वो क्लेम होगा, ऐसे ही स्पाउस के केस में होगा। तो लिमिटेशंस क्लेम में होती है कि परसेंटेज ऑफ टोटल सम इंश्योर्ड जो मेन इंश्योर्ड होता है उसका होता है, बट अदरवाइज
इंडिविजुअल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी ये बेनिफिट अवेलेबल है कि आप अपनी फैमिली को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप अपनी फैमिली को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, हमारी बातचीत के दौरान आपने कहा था कि ट्रैवल के दौरान, मतलब अमूमन रोड एक्सीडेंट तभी कंसिडर किए जाएंगे, आप घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जा रहे हैं, तभी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन अगर विद इन इंडिया होते तब तो हमें समझ में आता है कि हमारी पॉलिसीज काम करेंगी। इन केस हम फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, सभी को शौक होता है, बाहर जाते हैं, अगर विदेश में ऐसा कुछ हो जाता है तब भी क्या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी काम करेगी? जी हाँ, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये लिमिटेशन नहीं है कि केवल इंडिया में एप्लीकेबल होगा। एक्सीडेंट के द्वारा कोई भी दुर्घटना होती है या डेथ होती है विद इन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, तब भी जो है इसमें क्लेम एप्लीकेबल होता है। ओके, तो इस बात की भी मतलब काफ़ी सिक्योर है कि आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि आप अगर फॉरेन जा रहे हैं तो आपको अलग से इंश्योरेंस लेना पड़े, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वहाँ पर भी काम करेगा। अच्छा, एक और बात है कि क्या पर्सनल इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ होती हैं उसका इंश्योरेंट अमाउंट जो होता है उसको हम बाद में बढ़ा सकते हैं? ये रिन्यूअल पे बढ़ाया जा सकता है। आपने एक बार पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया और ये 1 ईयर की पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस की तरह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो जब भी आप पॉलिसी को रिन्यू करते हैं, अगर आपको ज्यादा इसमें इंश्योरेंस कवरेज लेना है तो आप रिन्यूअल के टाइम पे अपना इंश्योरेंस कवरेज बढ़ा सकते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में भी अगर आपके पास ऑप्शन है तो रिन्यूअल के टाइम पे आप कवरेज बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको बढ़ाना है, आप पहली बार में नहीं डिसाइड कर पाते और आपको बाद में लगता है ऐसा कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट इंश्योर करना चाहिए, तो आप ये काम भी कर सकते हैं रिन्यूअल के टाइम पे। अच्छा, आप क्विकली क्या कुछ पॉइंट्स में बता सकते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या होते हैं? अगर मैं पूछूँ कि 5 बड़े फ़ायदे बता दें इसके तो। देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी पहली बात बहुत सस्ती होती है। इसका प्रीमियम अगर मैं देखूं तो लगभग 140-145 रुपीज पर लाख आता है, यानी कि 5-10 लाख की पॉलिसी पे कुछ हजार ही आपका जो है प्रीमियम आपको सालाना देना होगा। तो पहली बात सब बहुत सस्ती होती है, लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी काफी सस्ती है। दूसरा, ये केवल डेथ के लिए कवरेज नहीं है, पर्सनल एक्सीडेंट एक्सीडेंट से होने वाली जो और परिस्थिति है, जैसे डिसेबिलिटी है, और डिसेबिलिटी के अंदर कोई हम परमानेंट नहीं, टेम्पररी डिसेबिलिटी भी है, तो वो कवरेज आपको मिलता है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी केवल है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ही नहीं, बट और बहुत सारे एक्सपेंसेस को कवरेज देता है। ट्रांसपोर्टेशन है, फैमिली का ट्रांसपोर्टेशन अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी एक्सपेंसेस मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे कवरेज जुड़े हुए हैं जो आपकी अपनी जेब को आपको बहुत हल्का करते हैं जब ऐसी परिस्थिति आती है। तीसरा बेनिफिट ये है। चौथा बेनिफिट वाइड कवरेज है। टेम्पररी डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी, इसके अंदर भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर टेम्पररी डिसेबिलिटी काउंट होगा, कहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी काउंट होगा, तो काफी वाइड कवरेज में इसको दिया गया है। पांचवा, ग्लोबली एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं है कि पर्सनल एक्सीडेंट केवल इंडिया में हुआ तभी एप्लीकेबल होगा, इसके बाहर भी अगर हुआ एक्सीडेंट तब भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी एप्लीकेबल होगी। तो इन शॉर्ट इसके फ़ायदे जानने के बाद मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि अगर हम ये बात कह रहे हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आज की तारीख में ज़रूरत बन चुके हैं तो ये सही है, क्योंकि इसके फ़ायदे जो हैं वो काफ़ी सारे हैं।